हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट्स एंड डिजीजेस। अगर हम फील्ड क्रॉप की बात करते हैं तो जो फील्ड क्रॉप्स होते हैं उनमें बहुत लार्ज नंबर में वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट्स एंड डिजीजेस जो है वो इन्फेस्टेड होती है। इन्फेस्टेड का मतलब होता है जब बहुत ही लार्ज अमाउंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी एक जगह पे हो, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं इन्फेस्टेशन। ठीक है, सो क्रॉप फील्ड्स जो होती हैं उनमें वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड डिजीजेस जो होते हैं वो बहुत लार्ज नंबर में इन्फेस्टेड होते हैं। इफ वीड्स एंड पेस्ट आर कंट्रोल्ड एट द एप्रोप्रिएट टाइम देन दे कैन डैमेज द क्रॉप सो मच दैट मोस्ट ऑफ द क्रॉप इज लॉस्ट। अगर हम वीड्स एंड पेस्ट को सही टाइम पे कंट्रोल ना करें तो ऐसे में क्या होगा कि जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएंगी एंड इवेंचुअली हम अपने क्रॉप्स को लॉस्ट कर देंगे, लूज कर देंगे। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टिवेटेड फील्ड, फॉर एग्जांपल जेंथियम। अगर हम वीड की बात करते हैं तो वीड वो प्लांट्स होते हैं जो कि कल्टिवेटेड फील्ड में अनवांटेड होते हैं, और इसका जो एक एग्जाम्पल है वो है जेंथियम। सेकेंड एग्जाम्पल है पर्थेनियम एंड थर्ड एग्जाम्पल है सर्पेनियस रटेंडस। दे कम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। जो वीड्स होते हैं वो प्लांट्स के साथ कम्पीट करते हैं फूड के लिए, स्पेस के लिए एंड लाइट के लिए। यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हम सॉइल को दे रहे हैं ताकि उसमें प्लांट ग्रो कर सके, उन न्यूट्रिएंट्स को वीड्स जो हैं वो कम्पीट करते हैं प्लांट्स के साथ। देन अगर हम स्पेस की बात करते हैं, जितनी स्पेस हम प्लांट्स को दे रहे हैं, सॉरी, जितनी स्पेस यानी कि जितना फील्ड जो है वो हम क्रॉप्स को दे रहे हैं ग्रो करने के लिए, उसी सेम फील्ड में जो वीड हैं वो भी कम्पीट करते हैं। एंड लाइट की भी अगर हम बात करें, आप सबको पता है कि जो प्लांट्स हैं उनको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चाहिए होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट कंज्यूम होती है एंड वो जो सनलाइट होती है वो वीड्स भी कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे में प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है। वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। देयरफॉर रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम कल्टिवेटेड फील्ड ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ क्रॉप ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर अ गुड हार्वेस्ट। सो हमें वीड्स को कल्टीवेशन के टाइम पे अर्ली स्टेजेस में ही रिमूव कर देना चाहिए ताकि जो क्रॉप की ग्रोथ है वो काफी अच्छी हो सके और हमें एक गुड हार्वेस्ट मिल सके। नाउ अब अगर हम बात करें कि जो इंसेक्ट्स हैं या फिर जो पेस्ट्स हैं वो किस तरीके से अटैक करते हैं प्लांट में, तो यहाँ पे आपको कुछ तरीके बताए गए हैं, कुछ वेज बताए गए हैं। सो सबसे पहले है हमारे पास जनरली इंसेक्ट्स और पेस्ट अटैक द प्लांट इन थ्री वेज। द फर्स्ट वन इज दे कट द रूट, स्टेम एंड लीफ। सबसे पहले तो वो क्या करते हैं कि जो रूट है उन्हें कट कर देते हैं, स्टेम को कट कर देते हैं एंड लीफ को भी कट कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि वाटर की सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई है वो प्लांट्स तक पहुंच ही नहीं पाती है एंड इवेंचुअली प्लांट्स के कुछ जो रूट, स्टेम या फिर लीफ वाले पार्ट है दे डाई। दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सेल सैप क्या होता है? सेल सैप होता है, आप लोगों ने कभी भी ऐसा यू नो एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप किसी प्लांट को बीच में से तोड़ते हैं या फिर बीच में से कट करते हैं तो क्या होता है कि बीच में से कुछ लिक्विड जो लिक्विड मटेरियल होता है वो निकलता है प्लांट से, और ऐसे में क्या होता है कि उसी को हम बोलते हैं सेल सैप। ठीक है, यानी कि प्लांट्स में जो रूट्स हैं, लीव्स है या फिर जो स्टेम है उनके बीच में जो लिक्विड कंटेंट होता है जो कि बेसिकली प्लांट्स के सेल्स होते हैं वो उन्हें सक कर लेते हैं, जो जो हमारे पास पेस्ट्स हैं या फिर इंसेक्ट्स हैं वो उन्हें सक कर लेते हैं उस सेल सैप को, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। द नेक्स्ट वे वी हैव इज दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स। वो छेद कर देते हैं स्टेम एंड फ्रूट्स के बीच में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर स्टेम के बीच में छेद कर देंगे, स्टेम के बीच में अगर वो बोरिंग कर देंगे तो सेम एज हेयर के जो सेल सैप है वो उसमें से लूज कर जाएगा
एंड जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, एंड फ्रूट्स के बीच में अगर वो बोरिंग कर देंगे तो आप लोगों को भी पता है कि आप लोग मार्केट में जाके वैसा फ्रूट नहीं खरीदते हैं जिसके बीच में बोरिंग हुई होती है, तो ऐसे में जो फार्मर्स है उनको लॉस होता है. दे दस अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द क्रॉप एंड रिड्यूस यील्ड, एंड इन्हीं फैक्टर्स की वजह से जो क्रॉप की हेल्थ है वो खराब होती है एंड जो यील्ड है वो भी रिड्यूस होती है. Diseases in plants are caused by pathogens such as bacteria, fungi, and viruses. These pathogens can be present in and transmitted through the soil, water, and air. अब ये जितनी भी diseases होती हैं plants की, ये plants को bacteria, fungi, and viruses की वजह से होता है. And ये जो pathogens हैं, ये soil में, water में या फिर air में कहीं पे भी present या फिर उनके अंदर transmit किए जा सकते हैं. नेक्स्ट में अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम वीड्स को, इंसेक्ट्स को एंड डिजीजेस को कंट्रोल कर सकें, तो ये पैराग्राफ इसी के लिए डेडिकेटेड है. सो यहाँ पे हमें सबसे पहले बताया है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड विच इंक्लूड हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंजिसाइड्स. सबसे पहला एंड सबसे कॉमन मेथड जो है इन सभी चीजों से जो प्लांट्स हैं उनको फ्री अप करने का, वो है हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंजिसाइड्स. दीज केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप प्लांट्स और यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सीड्स एंड सॉइल. ये जितने भी केमिकल्स हैं इनको क्रॉप प्लांट के ऊपर स्प्रे किया जाता है. ठीक है, ध्यान रहे, क्रॉप प्लांट के ऊपर स्प्रे किया जाता है, सॉइल के ऊपर नहीं. ठीक है, सॉइल के अंदर इसको, सॉरी सॉइल के ऊपर इसको स्प्रे नहीं किया जाता. एंड सॉरी और यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सीड्स एंड सॉइल, सीड्स एंड सॉइल जो होती है उनको भी ट्रीट करने में ये हेल्प करते हैं. ये प्लांट से ड्रिप होते हुए नीचे की तरफ आते हैं एंड सीड्स एंड सॉइल्स को भी ये बेनिफिट दे जाते हैं. हाउएवर एक्सेसिव यूज ऑफ दीज केमिकल क्रिएट प्रॉब्लम्स सिंस दे कैन बी पॉइजनस टू मेनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज एंड कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. अगर हम इन चीजों का एक्सेसिव यूज करते हैं, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंजिसाइड्स का अगर हम लोग एक्सेसिव यूज करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारे प्लांट्स एंड बहुत सारे एनिमल्स पॉइजनस फील करेंगे और ऐसे में जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो काफी ज्यादा हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव इज वीड कंट्रोल. तो वीड कंट्रोल के लिए हम क्या कर सकते हैं, वीड कंट्रोल मेथड्स ऑल्सो इंक्लूड मैकेनिकल रिमूवल, preventive methods such as proper seed bed preparation, timely sowing of crops, intercropping and crop rotation also help in weed control. अब वीड को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. सबसे पहले तो यहाँ पे है मैकेनिकल रिमूवल. मैकेनिकल रिमूवल का मतलब ये है कि हम अपने हाथों से ही जो वीड है उसे प्लांट के साथ डिटैच कर देते हैं. ठीक है, यानी कि प्लांट्स के साथ ही ये वीड लगे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, वीड को आइडेंटिफाई करते हैं एंड जो वीड है उनको हम मैकेनिकल रिमूवल यानी कि अपने हाथ से रिमूव कर लेते हैं. प्रिवेंटिव मेथड्स और भी क्या हो सकते हैं, प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन. जब भी हम सीड बेड बना रहे हैं तो हम प्रॉपरली बनाएं. प्रॉपरली बनाने का मतलब ये है कि जो फील्ड है उसको पहले अच्छे से प्लो कर लिया जाए और उसमें से जितने भी वीड्स हैं उनको इरेडिकेट कर दिया जाए. टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, इन सभी तरीकों से जो वीड है वो कंट्रोल किया जा सकता है. सम ऑफ अदर प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट पेस्ट आर द यूज ऑफ रेजिस्टेंट वराइटीज एंड समर प्लोइंग इन विच फील्ड्स आर प्लोड डीप इन समर्स टू डिस्ट्रॉय वीड्स एंड पेस्ट. और भी जो तरीके हैं उनमें सबसे पहले तो यहाँ पे बताया है कि हमें ऐसे से सीड्स को यूज करना चाहिए जो के पेस्ट से रेजिस्टेंट हो. ठीक है, यानी कि जो पेस्ट हैं वो उनपे अटैक कर ही ना पाए. और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, समर प्लोइंग कर सकते हैं. समर्स के टाइम पे जो गर्मियां हैं वो बहुत ज्यादा पड़ती हैं, तो ऐसे में अगर हम डीप प्लो करेंगे तो जितने भी वीड्स हैं और पेस्ट हैं वो सॉइल के अंदर ही मर जाएंगे. ठीक है, सो ये जो पार्ट है आपका ये था प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में. नाउ नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे स्टोरेज के बारे में. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.